दोस्तों बात करेंगे बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत। इसमें दो पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकाला गया है, इसमें दो पोस्ट रहने वाला है, ठीक है। 5 को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। 15 मई को यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, ठीक है। तो हम नोटिस में चलते हैं और यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, इसका कब तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, ठीक है। क्या इसमें उम्र सीमा रहना चाहिए, कितना फॉर्म फिल आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। जैसे इसका बिहार SSC का ऑफिशियल साइट पे चलेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए नोटिस है, देखिए व्यू PDF, ठीक है। इसे क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पे इस तरह से नोटिस डाउनलोड होगा, ठीक है। जैसे नोटिस डाउनलोड होगा तो यहाँ पर इस तरह से जो बताया गया है, ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक, यानी आपका 15/5 से ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। इसका जो अंतिम तिथि रहने वाला है 14/6/2023 तक, ठीक है। 15/5 से स्टार्ट कर दिया गया है, इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 14 जून तक आपको रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे हम बात करेंगे तो इसमें देखिए पद का नाम बताया गया है, ठीक है। असुलेखन है और उसके बाद असुलिपिक है, ये दो पद है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर विभाग कि किस विभाग में आपका ये है ना वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया वेतन वेतनमान है ना, लेवल सेम लेवल 6 में और 1 लेवल 4 में आपका वेतनमान दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता मांगा है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपके पास मांगा गया है, ठीक है। इंटरमीडिएट होना चाहिए और इसके बाद समक्ष होना चाहिए, ठीक है। उसके भी इसमें भी मांगा गया इंटरमीडिएट और उत्तीर्ण या समक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर आपका तकनीकी योग्यता मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अनारक्षित कोटि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है, ठीक है, कि कौन सा कैटेगरी में कितना पद रखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे और यहाँ पर बात करेंगे आपको योग्यता के लिए, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता। तो आपको जो यहाँ पर बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 या समक्ष के है ना समक्ष में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। फॉर्म जो भरा जाएगा तो वो ऐसे कैंडिडेट भरेंगे तो उनका यहाँ पर इंटर जो पास किए हैं उसका पासिंग डेट होना चाहिए अंतिम, जैसे फॉर्म भरने का अंतिम तिथि तक होना चाहिए, ठीक है। इसका 14/6/2023 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है तो उसी के अंदर में डेट रहना चाहिए, उसके बाद वाला डेट है ना मानो 14/6 तक आपको पास होना चाहिए इंटरमीडिएट, जैसा कि हमारे बताया गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर उम्र सीमा दिया गया, ठीक है। तो उम्र सीमा के लिए आपका देखिए अभ्यर्थी को उम्र सीमा की गणना मैंने 1 अगस्त 2022 से आपको है ना उम्र को काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो 1 अगस्त 2022 को आपको 18 वर्ष होना चाहिए, जैसा कि हमारे बताया गया, ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपको 37 वर्ष होना चाहिए, 37 वर्ष होना चाहिए। ये आपको अनारक्षित वर्ग कोटि के लिए है। उसके बाद अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला जो आते हैं वहाँ पर 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष या महिला है तो उनके लिए 42 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। ये आपका उम्र सीमा बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी बताया गया है कि आपका फॉर्म कि फॉर्म भरते समय आपका कितना फी लगेगा। तो यहाँ पर क्वालिफाई मार्क्स है ना क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है, ठीक है, कि समान वर्ग के लिए 40% होना चाहिए और पिछड़ा वर्ग के लिए 36.50% होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 32% रखा गया है, महिला सभी वर्ग के लिए 32% रखा गया है और दिव्यांग सभी वर्ग के लिए है ना 32% ही रखा गया। अगर आप लोग इलिजिबल हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक ठीक है। फॉर्म को भरने के लिए साइट पर चलेंगे, साइट पर आने के बाद यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखिए लिंक दिया गया है, ठीक है ना। इस साइट पर जैसे यहाँ पर लिंक दिया गया, लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे ठीक है, जैसा कि यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं ना खुल गया। अब यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन के लिए न्यू यहाँ पर क्लिक हियर टू फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें।